पंजाब में गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात। पंजाब में टैक्स वसूलियों की मद में 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी हैं। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स छूट भी ख़त्म करने की सिफारिशात हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती फैसले से जायदाद की ट्रांसफ़र पर टैक्स की शरह में इजाफा होगा। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में इजाफा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत क्योंकि जो मूल प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें कुछ तरमीम करने के बाद उसमें इजाफा करने जा रही है। उस पर पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो कमेटी है पंजाब की, उनको भी अपनी सिफारिशात जो है पेश की और साथ ही हुकूमत पंजाब को भी आगाह किया। तो आज भी वज़ीर पंजाब की सरबराही में एक इजलास जो है वो इजलास में आगाह किया गया कि दीगर मुल्कों की तरह पंजाब हुकूमत भी इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है मजीद शरह बढ़ाए, जिससे ज़राए आमदन जो है वो अच्छे खासे पंजाब हुकूमत वसूल कर सकती है। तो देखा जाए तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो हुजम है वो 100 बिलियन से जायद का इस नए माली साल 2024-25 में रखा जा रहा है, जिसमें टैक्स वसूलियाँ जो है वो की जाएंगी। तो उसमें स्टैंप ड्यूटी के अलावा प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो अच्छा खासा टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जिसमें अब 30 अरब रुपये का एक इजाफी बोझ है वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो प्रॉपर्टी के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं उनके ऊपर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे।